कमाने वाला भी कोई बीमार है। गरीब आदमियों का सर हमारी सुनते हैं बहुत मुश्किल है सर, अगर आगे भी ऐसा आता हो जाए। देखो सर, एक घर से दो दो परिवार स्कूल पढ़ने वाले बच्चे पहुँच गए, लेकिन उनकी कोई मशीनरी नहीं है। पहुँचे सर, और एक मिनट क्या है टोटल मेन एक कॉलेज की भी है सर, हाँ वो लड़की है ना सर। एक सेकंड, प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ है ये, और इसमें 15 लोग सवार थे। सुबह 8:15 के करीब, और 15 लोगों में से 12 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है इसमें, और उसके बाद 3 लोग जो घायल हैं उनका हॉस्पिटल कुल्लू में ट्रीटमेंट चल रहा है। सुबह जैसे ही सूचना मिली तो मैं उस वक्त हैदराबाद था, और हैदराबाद से बस उस वक्त हम निकल रहे थे, और मैंने आदेश प्रशासन को उसी वक्त दे दिए थे कि तुरंत वहाँ पर रिलीव के लिए और रेस्क्यू के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता वो करने की कोशिश करें। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ, जिसके कारण लोगों की जीवन को नहीं बचा पाए, इस बात का हमको दुख है। और जहाँ 3 लोग जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट कुल्लू में चल रहा है, और उसमें बताया गया है कि 2 लोग जो है वो आउट ऑफ डेंजर हैं, 1 को चोट लगी है ज़्यादा, उसको अगर उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए और भी हम कहीं विचार कर रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ जो घायल हुए हैं उनका ट्रीटमेंट का तो हम सारा कर ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में जो दूसरे जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उनको हमने अनाउंस किया है 4 लाख रुपए गवर्नमेंट की ओर से देंगे, 1 लाख रुपए जो HRTC की तरफ से दिया जाता है, कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए उनको हम देंगे। और उसके साथ साथ में जहाँ इस सारे मामले को लेकर के हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आदेश किए हैं, और ADM कुल्लू उसकी जांच करेंगे, और जांच के बाद जो फैक्ट्स उसमें पाए जाएंगे किस कारण से एक्सीडेंट हुआ। जो अभी तक जो प्राइम एफसीआई जो सब लोगों का कहना है उसमें कि बरसात के कारण सड़क में कुछ पत्थर गिरे थे, जिसके कारण सड़क जो है वो थोड़ी अवरुद्ध पड़ी थी, और लेकिन ड्राइवर ने बाहर से निकालने की कोशिश की और उस कारण से उसका संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी नीचे निकली। तो ऐसे में हम यहाँ यही देख रहे हैं कि जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर आगामी कार्यवाही को निकाली। अच्छा, जिस तरह से दुर्गम क्षेत्रों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, सरकार एयर एम्बुलेंस पे भी जो है वो प्रयास करे, क्या लग रहा है? ये इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हमारा प्रयास चल रहा है, आने वाले समय में वो भी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल तो इस तरह की घटना घटित हो वहाँ पर तुरंत मौके पर राहत लोगों को मिल सके मदद की, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण। हाँ सर, PM साहब की तरफ से संवेदना व्यक्त की है, किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनको प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है जो जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है इस घटना पर, और आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी, और गृहमंत्री जी ने तो यहाँ NDRF की टीम को भी तुरंत मूव करा दिया था, और मुझे भी उनका फ़ोन आया है। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ ये घटना घटित हुई है ये काफ़ी इंटीरियर है, दूर है थोड़ा, साधन सुविधा की दृष्टि से जो चीज़ें तुरंत होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ी कठिनाई रही यहाँ पर, और जिसके कारण हम उनको फौरी जिसको कह सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए जो व्यवस्था करनी थी उतना वो नहीं कर पाए, और राहत कार्य में भी थोड़ा यहाँ पहुँचने में देरी हुई ऐसी जानकारी मिली, लेकिन इसकी सारी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में। सर, सड़कें जो है ग्रामीण क्षेत्रों की ज़्यादातर हम देख रहे हैं खराब है, किस तरह से देखते हैं क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, सड़क जहाँ तक, ये सड़क इसी सीजन में पक्की हुई है, ये सड़क तो बिल्कुल ठीक है, और सड़क जहाँ तक, और 14 करोड़ की लागत से सड़क को बना करके तैयार हुआ, अभी 1 महीना बन करके सड़क को तैयार हुआ है,
सड़क के कारण एक्सीडेंट हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ क्रश बैरियर भी नहीं है सर पूरे रोड पे, उसका भी वो सारी चीजें प्रोसेस जो है उसमें चलता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सर बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो टूट सारी चीजों पर विचार करें।